हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नर्सिंग करंट एंड प्रैक्टिकल सो आज का वीडियो इज़ द कॉन्टीन्यूएशन ऑफ डी प्रीवियस ईयर पेपर विथ सॉल्यूशन वीडियो नंबर टू है ये अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सो so, हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं वन थर्टी थ्री क्वेश्चन है बाकी के पहले सारे क्वेश्चन हम फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं सो so, इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिकोगनाइज एज टेराटोजेनिक पूछा है जो डिसऑर्डर्स हैं दिखाए हैं ऑप्शंस में इसमें से कौन सी प्रॉब्लम ट्रैटोजेनिक है या मतलब ट्रैटोजेनिक क्या होता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन फ़ीटस लाइफ ड्यू टू एनी रीज़न अगर फिजियोलॉजी चेंजेस हो गई है फीटस का तो उसको ट्रैटोजन ट्रैटोजेनिक कंडीशन बोलते हैं वो ड्रग्स से भी हो सकती है कोई भी मेडिसिन अगर ले लिया मदर ने या कोई भी ऐसी डिसऑर्डर या डिजीज़ हो गई जिसकी वजह से फीटस का फिजोलॉजिकल चेंजेस आ गए हैं तो वो ट्रैटोजेनिक होता है तो आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए स्कारलेट फीवर ऑप्शन बी रुबेला ऑप्शन सी फीवर ऑप्शन डी कोरोनरी हार्ट डिजीज़ सो so, इसमें जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी रुबेला अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को हो जाता है तो उसकी वजह से ट्रैटोजेनिक इफ़ेक्ट आता है फीटस पे कुछ भी फिजोलॉजी चेंजेस आ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रेजेंट इन बोटल फॉर्मूला फॉर बोर्न कौन सी ऐसा मिनरल या फिर ऐसा प्रोटीन है जो बोटल फीड फार्मूला में नहीं होता आपके ऑप्शंस हैं अमाइनो एसिड ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइट, एंड ऑप्शन डी इम्यूनोग्लोबिन्स सो राइट आंसर इज़ डी इम्यूनोग्लोबिन्स बोटल फॉर्मूला में नहीं होता है अगर फीड न्यू बोन को बोटल फीड देनी पड़ रही है ड्यू टू तो एनी रीज़न तो उसमें अमाइनो एसिड हो सकते हैं जो आजकल रेडीमेड आता है उसमें अमाइनो एसिड हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं लेकिन इम्यूनोग्लोबिन्स नहीं हो सकते इम्यूनोगोगलोबिन बॉडी में ही प्रोड्यूस होते हैं मदर बॉडी में ही प्रोड्यूस होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एन इन्फेंट डिलीवर्ड बाई सीजेरियन सेक्शन सीजेरियन सेक्शन से अगर बेबी डिलीवर हुआ है तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन पॉसिबल है ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ऑप्शन बी हाइपरथर्मिया हाइपोथर्मिया ऑप्शन सी हाइपरथर्मिया एंड ऑप्शन डी एनीमिया सो राइट ऑप्शन इज़ ए रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है पेशे जो बच बेबी डिलीवर हुआ है बच्चा डिलीवर हुआ है उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है क्योंकि उसी कंडीशन में एमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ सकता है और दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेशन नेक्स्ट इम्यूनिटी ट्रांसफ़र टू फीटर्स फ्रॉम मदर थ्रू प्लेजेंटा प्लेजेंटा के थ्रू जो इम्यूनिटी मदर से फीटस को मिलता है वो क्या है ऑप्शन ए एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी ऑप्शन बी पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी ऑप्शन सी पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी एंड ऑप्शन डी एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी सो राइट ऑप्शन इज़ सी पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी पैसिव मतलब जो किसी और की बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है नेचुरल नेचुरल प्रोड्यूस हुआ है इम्यूनिटी सो so जो मदर से पीटर्स को इम्यूनिटी मिलता है दैट इज़ कोल्ड पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी नेक्स्ट एंडोमेट्रियोसिस इज कॉमन इन एंडियोमेट्रियोसिस इज अ इंफ्लामेशन ऑफ एंड एंडोमैट्रियम वॉल ऑफ द यूट्रस सो so, पूछा है कि एंडोमेट्रियोसिस कौन सी कंडीशन में कॉमन है ऑप्शन ए नलीपैरा ऑप्शन बी मल्टीपैरा ऑप्शन सी प्री मैनोपिजल मीनोपोजल एज एंड डी वर्जनस सो इसमें जो राइट ऑप्शन इस ए नली पैरा जो कभी सॉरी प्रेगनेंसी नहीं हुआ है अभी तक दैट इज़ कोल्ड नलीपेरा और उनमें एंडोमेट्रोसिस रिस्क ज़्यादा होता है सो ऑप्शन ए इज राइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द क्लाइंट विल हैव एन इंक्रीज नीड फॉर प्रेगनेंसी में क्लाइंट की क्या इन नीड इंक्रीज़ हो जाता है मतलब कौन से मिनरल का बॉडी में कंजप्शन बढ़ जाता है ऑप्शन ए पोटाशियम ऑप्शन बी सोडियम ऑप्शन सी आयरन एंड ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट सो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर आयरन देखा भी हो, होगा अनिमिया हो जाता है प्रेगनेंसी में अनिमिया ज़्यादातर लेडीज़ को होता है क्योंकि आयरन की कंजप्शन बॉडी में बढ़ जाती है उसकी वजह से अनिमिक हो जाती है मदर्स सो आयरन इज़ दी मेन मिनरल्स इंक्रीज इन प्रेगनेंसी नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर मॉर्निंग सिकनेस कैन बी ओवरकम बाय पूछा है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मॉर्निंग सिकनेस होता है उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं कम कैसे कर सकते हैं वट आर दी ऑप्शन ऑप्शन ए ईटिंग नथिंग अंटिल नोजिया सब्साइड। ऑप्शन बी ईटिंग फैट बिफोर स्लीप ऑप्शन सी टेकिंग हैवी फूड एट बैट टाइम एंड ऑप्शन डी ईटिंग प्रोटीन बिफोर स्लीप सो इसमें राइट ऑप्शन इज डी अगर सोने से पहले थोड़ा सा प्रोटीन ले लेते हैं प्रोटीन रिच डाइट कुछ भी ले सकते हैं तो उसकी वजह से मॉर्निंग सिकनेस को कम कर सकते हैं ओवरकम कर सकते हैं सो ईटिंग प्रोटीन बिफोर स्लीप ऑप्शन डी इज डाइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्लैम्पसिया पूछा है ड्रग ऑफ चॉइस एक्म्सिया में कौन सा है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्लेम्शिया इसलैम्शिया में कौन सी मेडिसिन देते हैं ऑप्शन ए एम जी एसोफो ऑप्शन बी प्रोस्टेडिन ऑप्शन सी टीमोटो टीमोलॉल ऑप्शन डी बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर सो राइट आंसर इज ए मैग्नीशियम सल्फेट एम जी एसओफ देते हैं इसमें में, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन कॉल्पोस्कोपी, कॉल्पोस्कोपी में कौन सा सोल्यूशन यूज होता है कॉल्पोस्कोपी होता है uh, so, इस द विजुअलाइजेशन ऑफ वजाइना सो इसमें कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करते हैं ड्यूरिंग कॉल्पोस्कोपी ऑप्शन ए पोवारडीन आयोडीन दिस इज बीटाडिन ऑप्शन बी एसिडिक एसिड ऑप्शन सी मिथाइल ब्लू एंड ऑप्शन डी जेंटिन वायलेट सो इसमें राइट आंसर इज बी एसिडिक एसिड यूज़ होता है ड्यूरिंग कॉल्पोस्कोपी बिकॉज पी एच लेवल मेनटेन रखना होता है एंड uh, विजाइना का पी एच एसिडिक होता है सो एसिडिक एसिड यूज़ होता है कॉल्पोस्कोपी में नेक्स्ट द कॉमनेस्ट कोज ऑफ लेकिन ज़्यादातर बीटाडीन यूज़ करते हैं लेकिन राइट ऑप्शन इज बी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कॉमनस्ट कोज ऑफ पोस्ट पार्टम हैमरेज इज पोस्ट पार्टम हैमरेज में का कॉमन कोज क्या है ऑप्शन ए इंस्ट्रूमेंटल ट्रोमा ऑप्शन बी पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी ऑप्शन सी प्री मैच्योर प्रेगनेंसी एंड ऑप्शन डी अटोनिक यूट्रस सो राइट आंसर इज डी अटोनिक यूटरस इज अ कॉमन कॉज ऑफ पोस्टमार्टम हैमरेज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लीन फाल्टर सिंड्रोम इज इंडिकेटेड बाय क्लीन फाल्टर सिंड्रोम में क्या होता है what are the indications option a chromosome forty seven x x y option b chromosome twenty three x y chromosome forty seven x and chromosome forty six x y. So is meant right option is a chromosome forty seven x x y. इस काइन फिल्टर सिंड्रोम इस इसे क्रोमोजोमल डिसडर जिसमें कि जो फोर्टी सेवन क्रोमो यूजअली हमारी बॉडी में फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम होते हैं लेकिन इस कंडीशन में फोर्टी सेवन क्रोमोज़ोम होता है एक्स एक्स वाई नेक्स्ट है द को कंप्लेन ऑफ ऑलिगोमिया ओबेसिटी एंड हिस्टिजम इन ए ट्वेंटी ईयर ओल्ड लेडी इंडिकेट एक लेडी है जिसको कंप्लेन है ओलिगोमेनोरिया मतलब मैंसेस उसको बहुत ही कम होते हैं एंड हिशटिज़म फेस पे जो बाल वगैरह होते हैं इन ट्वेंटी ईयर ओल्ड तो उस कंडीशन में आप क्या सस्पेक्ट करोगे ऑप्शन ए पीसीओडी ऑप्शन बी कैंसर ऑफ एंडोमेट्रियम ऑप्शन सी प्रोलैक्टोनोमा ऑप्शन डी प्रेगनेंसी सो राइट ऑप्शन इज़ ए

ऑप्शन ए जे शेप्ड एपिसोड में ऑप्शन बी मीडियो लेटरल ऑप्शन सी लेटरल एंड ऑप्शन डी लेफ्ट लेटरल मिस मे राइट ऑप्शन इज बी सॉरी बी मीडियो लेटरल मीडियो लेटरल इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिसोड में यूज ड्यूरिंग डिलीवरी नेक्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन अबॉर्शन करने से की कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है ऑप्शन ए प्रोस्टिक ऑप्शन बी एर्गोमेट्रोन, सी मीथोटाक्सेट एंड डी ओमफिन सिट्रेट सो राइट ऑप्शन इज़ ए प्रोस्टिक लैंडिन इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में टू इंडक्शन अबॉर्शन सबसे पहले मीजो प्रोस्ट वगैरह देते हैं मीजोप्रोस्ट इज ए प्रोस्ट ड्रग नेक्स्ट है वन फोर्टी सेवन बर्थ ट्रोमा इज़ ए रिस्क फैक्टर फो बर्थ ट्रोमा किस वजह से हो सकता है मैंने अगर बर्थ ट्रोमा है तो किस वजह से बर्थ इज़ अ रिस्क फैक्टर ऑप्शन ए यूट्राइन प्रोलैप्स ऑप्शन बी एंड्रोमेट्रोसिस ऑप्शन सी पीआईडी एंड ऑप्शन डी अबॉर्शन सो ऑप्शन ए इज राइट यूट्राइन प्रोलेप्स यूटराइन प्रोलेप्स इज अ रिस्क फैक्टर फॉर बर्थ ट्रोमा सॉरी बर्थ ट्रोमा इज अ रिस्क फैक्टर फॉर यूटराइन प्रोलेप्स सॉरी नेक्स्ट है हमारा टोटल कैलरी रिक्वायरमेंट फॉर ए प्रेगनेंट वोमेन एक प्रेगनेंट वोमेन को कितना कैलरी लेना चाहिए ऑप्शन ए थाउजेंड टू फिफ्टीन हंड्रड बी टू थाउजेंड टू ट्वेंटी फाइव हंड्रड सी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड टू ट्वेंटी सेवन हंड्रड एंड ऑप्शन डी ट्वेंटी सेवन हंड्रेड टू थ्री थाउजेंड के सी एल सो राइट ऑप्शन इज सी ट्वेंटी फाइव हंड्रड टू ट्वेंटी सेवन के सी एल कैलरी रिक्वायरमेंट होता है एक प्रेग्नेंट वूमेन का नेक्स्ट क्वेश्चन मिकोनियम मिक्स्ड विद लाइक फर्स्ट फिल्टर मोमेंट फेल्ट बाय मदर इज कोल्ड फर्स्ट फिल्टर मोमेंट जो मदर को फील होती है उसको क्या बोलते हैं ऑप्शन ए ब्लॉटमेंट बी क्विकनिंग सी लाइटनिंग डी किकिंग सो राइट ऑप्शन इज बी क्विकनिंग बी इज द राइट आंसर बोलते हैं फर्स्ट मोमेंट जो बदर को फील होता है नेक्स्ट पियरली वाइट और सिल्वरी ब्राइट लाइन है ऑनडोम लाइन्स को क्या बोलते हैं बिफोर डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी बहुत डिफरेंस होता है सो ऑप्शन ये Linear albicantes, B. Linear nigra, C. Strike gravidrum, D. Stride nigra. So, right option is A. Linear albicantes. Purely white and silvery bright line handed after delivery is called linear albicantes. Next, meconium mixed with lycor and अमनियोटिक फ्लूड इंडिकेट अगर अमनियोटिक फ्लूड में मैकोनियम मिक्स्ड है तो उस कंडीशन में <coughs> नहीं नेक्स्ट में आई एम सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है लेस देन हाउ मैनी नंबर ऑफ़ किक्स इन ट्वेल्व आवर्स इंडिकेट द फेलीअर ऑफ प्लेजेंटर फंक्शन लेस देन हाउ मैनी नंबर ऑफ किक्स इन ट्वेल्व आवर्स ट्वेल्व आवर्स में कितनी किक्स यू विल सपोज टू काउंट इंडिकेट द फेलियर ऑफ प्लेजेंटल फंक्शन कितनी किक में आपको लगेगा कि प्लेजेंटा इज़ गोइंग टू डिस फंक्शन ऑप्शन ए टू ऑप्शन बी फाइव सी टेन एंड ऑप्शन डी ट्वेंटी सो राइट ऑप्शन इज़ सी अगर दस से कम किक मदर रिपोर्ट कर रही है या एन एस टी वगैरह में दस से कम किक्स आ रही हैं फीटस का तो इट मीन्स प्लेजेंटा इज़ गोइंग डिस फंक्शन प्लेजेंटा इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली एंड कुछ प्रॉब्लम है सो उसको जल्दी से हाई रिस्क सेंटर या मतलब उसको मॉनिटरिंग शुरू करना है नेक्स्ट टोटल वेट गेन ऑफ मदर इन प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में मदर का कितना वेट गेन हो सकता है ऑप्शन ए टेन टू ट्वेल्व के जी बी एटीन टू ट्वेंटी के जी सी ट्वेल्व टू फोर्टीन के जी एंड डी नाइन टू टेन के जी सो राइट ऑप्शन इज़ ए टेन टू ट्वेल्व बट सबका अलग अलग हो सकता है कुछ ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि दस से बारह किलो ही वेट होगा दस टेन इज अ मिनिमम एंड बहुत वो कितना हो सकता है ये डिपेरीज है मतलब डिपेंड करता है लेकिन जो एवरेज है दैट इज़ टेन टू ट्वेंटी के जी नेक्स्ट मैकोनियम मिक्स विद लाइको एंड ये हमने पढ़ा था अभी ऑप्शन ए कंजीडेंटल अनोमली बी क्रोमोजोमल अनोमली सी फीटल डिस्ट्रेस एंड डी कोरिया अगर एमनोटिक फ्लूड में मैकोनियम मिक्स्ड है और आपको ड्यूरिंग पीवी ऐसा लग रहा है सो व्हाट इज़ अ कंडीशन इन दैट सो ऑप्शन सी इज राइट अपीटल डिस्ट्रेस के इंडिकेशन है मैकोनियम मिक्स विद लाइको मतलब पीटर्स इज गोइंग इन डिस्ट्रेस नेक्स्ट परजेंस ऑफ कंप्लीट रिंग ऑफ बबल मनिस्कस इन शेक टेस्ट इंडिकेट परजेंस ऑफ कंप्लीट रिंग ऑफ बबल्स एट द मनिस्कस इन शेक टेस्ट अगर शेक करके आ रहे हैं और बहुत सारा बबल हैं तो मतलब क्या इंडिकेट करते हैं वो ऑप्शन ए मेचॉरिटी ऑफ फिटल ब्रेन बी सैप्टल डिफेक्ट सी मैचोरिटी ऑफ फीटल लंग डी फीटल साइनोसिस ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर मैचोरिटी ऑफ फीटल लंग्स क्योंकि एयर से रिलेटेड बबल एयर होएगा तो बबल्स होंगे और उसकी वजह से मतलब ये पता चलता है कि शेक टेस्ट में अगर बहुत रिंग ऑफ बबल्स प्रजेंस है, इट मीन्स फीटस के लंग्स प्रॉपरली मैच्योर हो गए हैं नेक्स्ट सो इसमें सी इज़ राइट ऑप्शन नेक्स्ट है नॉर्मल लेबर इन कॉल्ड एज नॉर्मल लेबर को क्या बोलते हैं ए स्पोरियस लेबर बी डिस्टोसिया सी इटोशिया डी फॉल्स लेबर सो राइट ऑप्शन इज सी इटोसिया बोलते हैं इटोसिया इज़ अ टर्मिनोलॉजी फॉर नॉर्मल लेबर नेक्स्ट शो इज़ अ साइन ऑफ शो किस का साइन है कौन से लेबर पेन का साइन है ऑप्शन ए ट्रू लेबर पेन ऑप्शन बी फॉल्स लेबर पेन ऑप्शन सी साइन ऑफ एबनॉर्मल लेबर एंड डी साइन ऑफ प्लेजेंटा प्रीविया सो राइट ऑप्शन इज ट्रू लेबर पेन अगर शो हो गया है शो मीन्स ब्लड एंड म्यूकस का जो प्लग है, वो आउट हो गया है एंड पेन uh, भी हो रहा है सो दिस इज़ द इंडिकेशन ऑफ स्टार्टिंग ट्रू लेबर पेन शो इज़ अ साइंस ऑफ ट्रू साइन ऑफ़ ट्रू लेबर पेन सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बाकी का जो आज हमने हमने फिफ्टी सिक्स वन फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन कर लिए हैं बाकी टू हंड्रेड तक के क्वेश्चन हैं इसमें बाकी का क्वेश्चन विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो टिल दैट टाइम वोस्ट द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड एनीथिंग एल्स यू वॉन्ट टू नो जो मुझे बनाना चाहिए वीडियो कमेंट में कर कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं Till that time, watch the video, subscribe the channel. Thank you.